मैं हूं मुरली मनोहर पांडे, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। आईबी इंडिया न्यूज के मेडिकल बुलेटिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं पूर्वांचल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलिका त्यागी जी, जो एनीमिया रोग के बारे में हमको जानकारी देंगी। तो डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर साहब, एनीमिया रोग ठीक समझ में एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग है क्या? शरीर में खून की कमी को रक्तल्पता के नाम से, हिंदी में रक्तल्पता। एनीमिया रोग क्यों होता है? एनीमिया रोग के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण खान पान का सही तरीके से खाने पीने की चीज़ों का ना। आजकल बहुत ज़्यादा सबसे मेन कारण ये हो गया है कि हरी सब्जियां, फल, इन सब की बजाय लोग बाहर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उन सब पे, या गरिष्ठ भोजन पे, इन सब पे ज़्यादा। सबसे मेन कारण खान पान सही ना होना। ये अधिकतर देखा जाता है जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको एनीमिया, ऐसा भी है क्या कि जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं है उनको एनीमिया? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जैसे पेट में कीड़े हों, या पहले उनको भी उनका भी खान पान सही ना हो। हम लोगों के देश में वैसे स्त्रियों को सबसे आखिरी होता है ना, चाहे लड़कियाँ हों या तो उनमें उनको जो है सबसे लास्ट में वो अपने लिए रखती हैं, जो बचा वो खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उनको जो है पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। हाँ, सबसे पहला कारण पौष्टिक आहार मिले तो एनीमिया से बचा जा सकता है। अगर गर्भवती महिला को एनीमिया है तो बच्चे के जीवन पे खतरा क्या होता है? जी बिल्कुल, बच्चे के और माँ के जीवन पे दोनों पे खतरा होता है। पहला तो बच्चे के जीवन पे, बच्चे के जीवन की बजाय सबसे पहले तो बच्चे के विकास में कमी, दिमाग के विकास में कमी होने का खतरा रहता है। माँ के ऊपर भी इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा पहला तो बहुत कमजोरी महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा भी कमी हो जाती है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि हार्ट पे भी उनके उनके हृदय पे भी असर होता है। यानी एनीमिया एक तरह से कहा जाए तो जानलेवा बीमारी। बिल्कुल 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 जानलेवा बीमारी है, और बहुत सारी बीमारियों को दावत देने के लिए, जैसे कमजोर जब शरीर हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियों को, जैसे आपने दावत दी, सुबह कैसे पता चलता है कि हम कोई नहीं है? हमें इसका मेडिसिन में क्या जाए? मेडिसिन में पहले तो मैं बात सबसे पहला लक्षण बाद में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है और ज़्यादा परेशानी होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, अपना काम बिल्कुल ना करना। गंभीर स्थितियों में तो बहुत सारे ऐसे बीमारी बढ़ती है, हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, शरीर को ऑक्सीजन इसलिए हृदय इनसे बचाव और ट्रीटमेंट के बारे में ये कहना होगा, सबसे पहले जो अपने खाने पीने में हरी सब्जियाँ, जो हमारी भारतीय खाने भारतीय चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। जो हम लोग के देश में नॉर्मल खाना बनता है सबसे सुंदर होता है दाल रोटी सब्जी हरी सलाद दही, सबसे सुंदर वो अपना नियमित रूप से उसके रहते हैं। दूसरी चीज़ यदि आपके पेट में कीड़े उगाए जाते हैं, तीसरी चीज़ यदि अल्सर है आप घरे में रहकर बिना बाहर पेशाब किया स्वास्थ्य के लिए नहीं रहेंगे तो कुछ
मीटिंग के बाद जब हम मीटिंग में नंगे पैर जाते हैं या चप्पल भी पहन के जाते हैं, पूरा चांस होता है कि वहाँ से पैर में डॉक्टर मकबूलिका त्यागी ने हमको जानकारी देते हुए कहा कि निमिया एक जान लेवा बीमारी है। निमिया होने से जच्चा बच्चा दोनों को खतरा बढ़ जाता है। इसे बचने के लिए अगर हम आपकी थाली का इस्तेमाल करें तो 90% निमिया रोग से बचाया जा सकता है। कैमरामैन के साथ पांडे की।